तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फेसबुक चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ मतीनगर। तो मतीनगर पे आज जो है यहाँ पर चरक पूजा हो रहा है। ये सब भीड़ आप देख रहे हैं, ये लोगों का भीड़। यहाँ पर इतना धूप होने का बावजूद भी लोग यहाँ पर छतरी लेके यहाँ पर बैठ के और ये चरक पूजा ये पीछे हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हर जगह चरक पूजा में इस तरह का जो है पेड़ का एक पिलर लगाते हैं। तो यहाँ पर पूजा हो रहा है और यहाँ से जो आज पंडित जो भी लोग हैं, साधु बाबा जो लोग हैं, यहाँ जो हम बीच में आप लोगों को दिखाया था चरक पूजा, हाँ दूध पातिल का, तो ये दूध पातिल से यहाँ बाबा जी लोग आए हैं यहाँ पर पूजा कर। हर साल इन लोग आते हैं, तो चलिए आज हम भी यहाँ पर आए हैं इन्वाइट से। तो जी हाँ, ये मोतीनगर के लोग काफी यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स है, तो सभी लोग आज हमें यहाँ पर इन्वाइट किया है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो है यहाँ मोतीनगर पे जो है आज हम लोग पूजा चरक पूजा देखेंगे। हालांकि नियम जो है सभी एक सेम ही है, तो लेकिन जगह प्लेस लोग कुछ अलग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। पूजा तो सेम टू सेम है। चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं, अंदर का पूजा का नजारा लेते हैं, देखते हैं। और यहाँ पर जो है कमेटी मेंबर सभी लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये गांव का हमारे प्रेसिडेंट सर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हमारा गांव का प्रेसिडेंट सर जी है। ये भैया लोग जो है ये मास्टर जी है और ये भी सर मास्टर जी है। तो इन लोग जो है पूजा का कमेटी है ना आप लोग, पूजा हर साल आप लोग कमेटी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो पूजा आज हो रहा है, सभी लोगों के लिए बैठने का व्यवस्था यानी कि तिरपाल का व्यवस्था सभी लोग यहाँ पर किया हुआ है ना, ठीक। तो कितना साल से हो रहा है पूजा यहाँ पर? दो साल हुआ ना, ये अगले साल किया और ये साल, यानी कि दो साल ना। अच्छा अच्छा ठीक है, जरूर जरूर। आगे में जो पूजा होगा वो भी हम लोग का, हम लोग का मीडिया भाई जो है ये लोग का लिए तो आशय को मारी हो जे की खेला हो बे। थैंक यू थैंक यू, दिबे कर बोले बोले लेके लेबे। तो चलिए अभी हम जो है अंदर मैदान पे आ चुके हैं, पूजा जहाँ पर हो रहा है दोस्तों। और ये चलिए कुछ नज़ारा जो है हम मूर्ति का, भगवान शिव गौरी भगवान जो है हरो गौरी कहते हैं, उसका थोड़ा दर्शन करवा दूं आप लोगों को। ये जो है इन लोग जो है तरह तरह का जो है सिख बना के रखते हैं। वो सिख जो है इन लोगों का बॉडी पे जो है बॉडी पे लगाया जाता है। ये देखिएगा किस तरह बॉडी पे जो है ये जो लोहे से या तार से बना हुआ है। तो इसको अभी जो है अंदर उन लोगों का बॉडी का अंदर डालेगा और इन लोगों का दर्द का महसूस नहीं होता है। तो ये देखिएगा, ये बाबा जी दीपक, ये देखिए कितना आराम से इसको पार कर लिया। और ये बाबा जी जो है दीपक कलवार जी दूध पातली से, और यहाँ का आज पूजा करवा रहे हैं। दूध पातिल से आए हुए और ये मतीनगर पे जो है आज यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं। और तो दोस्तों काफ़ी सारा जो नियम है पूजा का दिखाएंगे आप लोगों को, बने रहना वीडियो पे। और ये थोड़ा दर्शकों को भी, दर्शक से भी मिलते हैं। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमारा सामने यहाँ पर आज ये मोतीनगर का जो चरक पूजा हो रहा है, यहाँ का कमेटी मेंबर है, आपका नाम बताइए। मुन्ना बावड़ी जी। चलिए मुन्ना भाई से अभी हम पूछेंगे। बहुत सारे दर्शक आ रहे हैं यहाँ पूजा देखने के लिए। तो इतना गर्मी में जो लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों के लिए आप पानी उनी का कुछ बंदोबस्त किया है कि नहीं? क्या सब कुछ एडजस्ट है, कुछ भी कोई परेशानी हो रहा है तो उसके लिए भी कुछ मैं आप कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सभी को हेल्प कर रहा है पानी के लिए, ठीक है। कुछ तो यहाँ पर धूप ज्यादा है इसलिए मतलब कुछ धूप के लिए कुछ कर नहीं पाया, टाइम कमी था और आदमी भी ज्यादा हो गया इसके लिए मतलब थोड़ा एडजस्ट। हर साल भीड़ होता है, हर साल? दो साल हो गया सर। दो साल हो गया
पानी उनी पाइले ना नहीं पाइले हाँ जल उल पाइले ना नहीं तो हमारे यहाँ के लोग इतने धर्मिष्ठ है और इतना ईमानदार है, प्यास लग रहा है फिर भी नहीं बोल रहा है हमें प्यास लग रहा है बोल के। यहाँ पर सभी लोग जो है मुस्कुरा रहा है। मैंने खाली कर दिया इन लोगों को पानी पिलाते पिलाते 1000 लीटर का। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत आपका नेकी है। दोस्तों काफी ऑडियंस का लोग ऑडियंस लोगों का साथ बातचीत करने में कुछ अलग ही मजा आ रहा है। ठीक है तो इसका नीचे कोई है? अच्छा है, हम सोचा खाली छतरी है ना क्या। तो ये देखिए छतरी के नीचे भी लोग बैठे हुए हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑडियंस लोग जो है काफी मजेदार से किरकम दादा भालो। अच्छा अच्छा कोई बच्चों ने पूजा हो चे मूर्ति देख ले मूर्ति की रकम मूर्ति कलर माधोबर। हाँ माधोबर कलर बुलाई आपने मूर्ति देखा नहीं, नहीं दूर लगे हुए ना। और मूर्ति बहुत दूर पे है ना। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पूजा होगा तो पहले मूर्ति का दर्शन कर लेना। ठीक है मासी माँ आपने मूर्ति देखा नहीं देखा मूर्ति टा शिवेर ना पार्वती और पार्वती नाई इधर देख रहा एखने मूर्ति नाई मूर्ति एखने देखा जा देखा जा देखा जा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे दर्शक तो आए हैं पूजा देख रहा है लेकिन जो भगवान का मूर्ति जो रखा हुआ है काफी दूर पे रखा हुआ है इसीलिए यहाँ से इन लोगों को नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे शिव गौरी पार्वती माता जो है अभी जो है नृत्य कर रहा है यहाँ पर। तो चलिए और भी यहाँ पर लोग जो है तो ये देखिए गर्मी में इतना छोटा बच्चा को इसको थोड़ा छाव दो, छतरी उतरी नहीं है क्या है? छतरी लगाओ ना, लगा के रखो इनको थोड़ा धूप से बचाओ। ठीक है तो ये चलिए अपनारा कौन ग्राम है? अरे यार इन लोग देखिए मेरा साथ मजाक शुरू कर दिया। लाभक से तो मैं आया और इन लोग बोल रहे हैं हम लाभक का। अब लाभक का सच में जय श्री राम आप लाभक से? अच्छा 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 तो ये जरूर जरूर जी छोड़ देना। तो यार देखिए लाभक मेरा गांव से भी लोग यहाँ पर आए हैं पूजा देखने के लिए। कहाँ जा रहे हो भैया? और भाभी जी नमस्ते राम राम सत श्री अकाल। पानी उनी मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? हाँ पानी अगर नहीं मिला है तो यहाँ पर बर्फ जो है कमिटी के तरफ से फ्री खिलाया जा रहा है। अब यहाँ पर बर्फ ले लो और लेकिन टोकन लेके आना नाम लिखा के। अच्छा बताओ कोई बच्चों ने पूजा अच्छे दिवस चल रहा है? ठीक अच्छा और की बोलते चलाम चरक पूजा मूर्ति कोईटा दया करे लगा इखने प्रथम बार आसे छ। ठीक अच्छा हां देखा छ। अच्छा मूर्ति की नाम चरक चरक बाबा हैं মূর্তিটার নাম চরক বাবা। হ্যাঁ ওই আনখায় জুটাই বলছি লাগ নাগা বাজার ও দেখিয়ে দোস্ত লালা বাজার সে পর লোক জো হয় হ্যাঁ চরক পূজা দেখনে কে লিয়ে তো চলিয়ে আগে কি তরফ চলতে হ্যাঁ।